अरे उत्तरा जी, आप यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही से? आओ ना, हम सबके साथ बैठो वहां। आओ आओ, आओ। भाई भाई साहब, एक बात की तो दाद देने पड़ेगी इन औरतन की। भाई पूरा पूरा दिन भूखे प्यासे रह करके दिन बिताते हैं हम पत्तियों के लिए। बात तो आपकी सही से समधी जी, पर बहुत कम ही औरतें ऐसी हो हैं जो वाकई में भूखी प्यासी रहे हैं अपने पति की खातिर। जी बहुत सी तो बजसी दिखावा ही कर रहे हैं व्रत का। अच्छा, मैं ना मानू भाई साहब यो बात। भला कोई पत्नी अपने पति की जान को जोखिम में क्यों डालेगी? जो हिंदू औरत अपने पति के खिलाफ जाती है उनके लिए व्रत नहीं रखती है, सोचो वो कितनी दुखी होगी अपने पति से। जिस औरत की जिंदगी अपने पति की वजह से नरक बन चुकी हो, वो भला अपने पति के लिए व्रत क्यों रखे? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक औरत है? कितनी अजीब बात है ना, एक इंसान अपनी पत्नी को इतना मजबूर कर देवे कि वो सुहागण होने की बजाय विधवा बेहतर समझे। अरे यो सगना वाले दिन क्या मरण मारण की बातें लेके बैठ गई तू है? बात कहाँ ते शुरू हुई थी और काते जा रही है। तू जा जाकर के बितर बितर देख। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। चलिए अब सो लेना चाहिए, सुबह जल्दी उठना से सर की वास्ते। अरे जल्दी इमली, चलो इनकी मदद करते हैं। आइए चलिए। हादी, कहाँ गए थे तुम दोनों? कब से ढूंढ रही हो? वो टहलने गए थे। क्या हालत बनाकर रखी है, कम से कम बता कर तो जाता। हाँ आदि भाई जी, तो टैलेंट गए थे कि कुश्ती करने वास्ते गए थे? बोलो बोलो। अरे शायद टैलेंट ना रेस लगाने गए होंगे। भाई रेस लगाने का मजा तो जवानी में ही आवे। हाँ, और रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ रहा होगा, है ना? अरे हो सके, आंधी भी आ रही हो। हाँ बस बस, बहुत हो गई मस्ती, चलो चल कर सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है, चलो। तू कहाँ जा रहे है? सोए सारे मर्द बाहर, औरतें सिर्फ अंदर सोएंगी। चेंज करो और बाहर जाओ। चलो चलो सब चेंज कर लो, बिस्तर लगा लो, जल्दी आ जाओ। मासी, सॉरी, थारे साथ बात करने का टेव ही ना मिला यहाँ आने के बाद। तो मासी इसका मतलब यो ना कि मन ने थारी फिकर ना से। देख जी, शायद विद्या ने लगे है कि वो मने प्यार करे, पर ऐसा नहीं, इसमें उसका कोई कसूर ना।
और उसकी यू ही सोच के चलते उसने लगता है कि वो मन्ने प्यार करे। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में आपकी जगह कोई और आए तो आपको वो जगह खाली करनी पड़ेगी, और यह तभी मुमकिन है जब आप करण के पास वापस जाएं। मैं ऐसा नहीं कर सकता चीनू, ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों क्यों नहीं हो सकता ऐसा वापस? क्या आपको अब करण से प्यार नहीं है? चीनू यो बात नहीं है। तो कैसी बात है? देखिए, खुशी आपके सामने भी है और विद्या जी के सामने भी।